हैडफोन लाओ भाई जान, हैडफोन लाओ तो तुलू हैडफोन ला के अल्लाह की कसम है माइक ना छड़े आज हैडफोन ला के नहीं मैं नहीं मैं हैडफोन लाओ तो तुलू हैडफोन लाओ तो तुलू। पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं। जो लीडर इस वक्त अंदर है वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था, कभी पूरी एक्सटेंशन पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था बाजवे को, कभी उसको गालियाँ देता था, कभी उसके पाँव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। हमारी क्यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े हो गए हमें गालियाँ देते हैं। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें, ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। आप क्या कर रहे हैं? अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियाँ निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे, आप बोले ख्वाजा साहब जी। मैं पहले बोलूंगा, मैंने आपसे टाइम लिया हुआ है। मैंने जब ये लोग बाहर थे मैंने आपसे टाइम मांगा। जी हाँ मैं बोलूंगा। आपका माइक खुला हुआ है। हाँ बोले ख्वाजा साहब, आप बोले। मैं ब्लैकमेल नहीं होगा, हाउस ना ब्लैक हाउस को ब्लैकमेल ना कराएं। चेयर भी नहीं होगी, ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने के लिए, चेयर भी ब्लैकमेल नहीं होगी। आप बोले कर रहे हैं, आप तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। ख्वाजा साहब आप बोले, आप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दें। हाउस में ऑर्डर जो है चेयर रिस्टोर नहीं कर पाई तो क्या बोलने का फायदा यहाँ पे। ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें, ये गालियाँ निकाल रहे हैं हमें। वो भी कुछ नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियाँ निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हेडफोन लाओ भाई जान, हेडफोन लाओ तो तुलू हेडफोन ला के अल्लाह की कसम है माइक ना छड़े आज हेडफोन ला के नहीं मैं नहीं मैं क्या की कह रहे हैं। वी वांट पीस पीस। बोले ख्वाजा साहब बोले। आप ये दहशत करता किसी पाड़ना चाहते हो ऐसी इजाजत नहीं देंगे। जनाब स्पीकर मैं यहाँ पे आपसे मैंने इजाज़त मांगी जब ये लोग बाहर थे। मैं अकलीतों के मसले पे बोलना चाहता हूँ और ये लोग मुझे बोलने की इजाज़त नहीं दे रहे। मैं एक नहायत सेंसिटिव मसले पे बोल रहा हूँ जिसकी वजह से पाकिस्तान सारी दुनिया में शर्मिंदा हो रहा है और ये मुझे बोल नहीं रहे, ये अपने सियासी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, हमें गालियाँ दे रहे हैं। लफ्ज़ जो है यहाँ पे हरामज़दगी जो है इस्तेमाल किया गया, आपने खुद सुना है। इन्होंने ये भी कहा कि ये तुम्हारे बाप का हाउस नहीं है, ये भी आपने सुना है। मैं जब एक ऐसे मसले पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये एक शर्म की बात है, एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। ये देखें, ये बात सुने। मैं हम लोग एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं, एक रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं कि इस मुल्क में अक़लीतें महफूज हो सकें। उनका इस मुल्क में रहने का उतना ही हक है जितना मुसलमानों का हक है। ये मुल्क जो है किसी एक अक्सरियत का नहीं है। ये लोग जो है अपने कल्चर का जो है अपनी असलियत का जो है मुजाहरा कर रहे हैं कि इनकी एक्चुअली सियासी औकात क्या है। गाली के साथ सियासत करना चाहते हैं, तशद्दद के साथ सियासत करना चाहते हैं। और कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इक़दामात उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी फौज के शोहदा जो हैं उनके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, शहादतों के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं जो दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियां दे रही है। ये आज भी 9 मई के मौकफ से नहीं हटे, आज भी ये 9 मई के ऊपर खड़े हैं। ये कहना कि फौज हमारी है, मुल्क हमारा है, शोहदा हमारा है, ये सब जालसाजी है। जनाब स्पीकर, ये सब जालसाजी है। ये आज भी 9 मई वाले हैं, कल भी 9 मई वाले हैं, आने वाले कल भी जो है वो भी 9 मई वाले हैं। इनका मौकफ नहीं बदला। ये इसका वाकई जनाब स्पीकर, इनका मौकफ नहीं बदला। ये जब मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैंतरे बदलते हैं, रंग बदलते हैं, तरले करते हैं, पाँव पड़ते हैं, बाप बनाते हैं, उसके बाद जो है यहाँ पे एहतजाज करते हैं। ये देखें, गालियाँ देते हैं, इस हाउस की तजलील करते हैं, इस हाउस की तजहीक करते हैं। ये करें बातें, बिजली ये चोरी करते हैं, बिजली बंद करते हैं तो उसमें भी एहतजाज, दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ते हैं उसमें भी एहतजाज। ये सारी बातें मुल्की इस्लामियत की बातें हैं, सालमियत की बातें हैं, उसके ऊपर भी खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं, ना मुल्क के साथ हैं, ना इस ईमान के साथ हैं, ना आइन के साथ हैं, किसी के साथ नहीं है। जनाब स्पीकर, ये अपनी असलियत, अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं। जो इनकी औकात है ये वो दिखा रहे हैं। वो जो लीडर जो था, जो लीडर इस वक्त अंदर है, वो भी रोजाना पैंतरे बदलता था। कभी पूरी एक्सटेंशन, पूरी उम्र की एक्सटेंशन देता था गाबाजवे को, कभी उसको गालियां देता था, कभी उसके पांव पड़ जाता था। ये इनकी औकात है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं हमसे टिकट मांगते थे, मैं उनका सिफारशी था, हमारी क्यादत ने उनको टिकट नहीं दिया, आज खड़े हो गए हमें गालियां देते हैं। मैं इस हाउस में पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद के साथ आपको कह रहा हूँ, इनमें से मैं चेहरे जानता हूँ जिन्होंने हमसे टिकट मांगा था कि हमें टिकट दो, जब हमने टिकट ना दिया तो इस पार्टी पे ये चले गए। इनकी औकात ये है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई गैरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly News देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।